देख रहे हैं मिर्च मसाला टीवी, हमारा एक स्लोगन है एंटरटेनमेंट विद स्पाइस। हम मज़े मज़े से लोगों की गुफ्तगू आपको सुनाते हैं, मज़ेदार बातें करते हैं, चटपटी बातें करते हैं। आज है हमारे साथ बहुत ही गॉर्जियस लड़की, खूबसूरत मॉडल, जो कि हमने कई बार स्क्रीन पर देखा उनको। कैसा लगता है इस तरह के मॉडल हंट में आके? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और यहाँ पे आके हमेशा कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा ज़्यादा ही हो जाता है। और बहुत सारे सपने होते हैं जो हम छोड़ देते हैं, बट जब हम स्टेज पे आते हैं तो वो कॉन्फिडेंस और वो सपने दोबारा वापस आ जाते हैं। तो नहीं, मतलब अच्छा, आप स्टेज पे जब आती हैं तो आप सपने लेके आती हैं, ये सपने आपको नए नए मिलते हैं? हर बार कुछ ना कुछ नया ही होता है करने को, सीखने को, देखने को। अच्छा, इस वक्त जो है टॉप मॉडल हंट UAE 2020 में मौजूद हैं। यहाँ पे हमने देखा कि मॉडल्स की जो है वो ग्रूमिंग भी हो रही है, उनको बताया भी जा रहा है, डांस परफॉर्मेंस भी देखी। तो आपने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि हर कोई अपने आप में यूनिक है, स्पेशल है और कोई भी कम नहीं है। और अगर किसी के अंदर टैलेंट नहीं है तो हम उसको हम उस पर थोड़ा सा काम करके हम अपने आप को और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं, अपने आप के ऊपर काम करके और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं। और इसके अलावा इस इवेंट की सबसे खूबसूरत बात जो आपको लगी कि इस इवेंट की ये बात जो है वो दूसरे इवेंट्स में नहीं थी, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो हर एक मतलब मोस्टली यहाँ पे जो है वो सारी ये हैं विमेन हैं जो कि मॉम्स हैं, तो सबकी अपनी फैमिली है, बच्चे हैं, सब हैं। बट ये सब कुछ होने के बाद भी हर कोई मतलब सब लोगों ने अपना थोड़ा सा टाइम दिया है और यहाँ पे आए हैं खुद के लिए कुछ करने को, कुछ दिखाने को और कुछ प्रूव करने को। आप भी मदर हैं? यस, मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। इतना ज़्यादा मत बताएं लोग। क्या हुआ? सच तो सच है ना। नहीं, आप मदर लगती नहीं है ना माशाल्लाह, इतनी प्यारी। और अपने आपने अपने आप को आपने मेंटेन रखा हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसकी मतलब कि ये खूबसूरती का राज क्या है? आप मतलब डाइट करती हैं, जिमिंग करती हैं, प्रॉपर टाइम देती हैं अपनी बॉडी को प्रॉपर, या बस ठीक है अल्लाह ने दे दी? नहीं, मतलब प्रॉपर टाइम तो मैं अभी देती हूँ अपने किड्स को, क्योंकि मेरा बेटा सिर्फ अभी 1 साल का है, तो उसको आई मीन लाइक ऑब्वियसली मतलब ज़्यादा चाहिए मेरा टाइमिंग। हाँ, बट मैं इन सब के साथ 1 घंटा जिम और थोड़ा सा डाइट भी कंट्रोल करती हूँ, जो कि वैसे भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नई नई लड़कियाँ जो होती हैं उनको बड़ा शौक होता है, अगर मॉडलिंग शॉडलिंग करें, ब्राइट करें, ये करें, वो करें। आपने, क्योंकि मैंने देखा कि आपने जैसे एड्स में काम किया, मुख्तलिफ ब्रांड्स को आपने प्रमोट किया, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? उनको कोई ऐसी टिप देंगे कि ये 2-3 बातें आप कर लें तो आप भी एक अच्छी मॉडल बन सकती हैं? जहाँ तक बात ये है कि एज इट अपनी बॉडी को मेनटेन करने की, शुगर तो बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको छोड़ देना चाहिए। थोड़ा सा वॉक एक्सरसाइज वगैरह कर लें, अच्छा है। सबसे बड़ी बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और आप हर चीज़ को कैसे देखते हैं वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, और जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, मैं अक्सर कहता हूँ कि बॉडी कुछ भी नहीं होती। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो बॉडी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के नीचे मात खा जाएगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने जी, बिल्कुल। और इसी के बाद हम आपको एक और शख्सियत से मिलवाएंगे, तब तक हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।